एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोहित अरोड़ा एंड टुडे वी आर डिस्कस इरिगेशन लेसन। ठीक है, इरिगेशन का जो चैप्टर है उसको अपने डिस्कस कर रहे थे, तो सिंचाई के जो साधन हैं वो अपने डिस्कस कर रहे थे। हमारे पांच साधन हो चुके थे, लास्ट अपना बच गया था पंप सेट। ठीक है, एक पंप सेट हमारा जो है वो बचा था, उसको अपने डिस्कस करते हैं आगे। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो पंप सेट जो है वो हमारा बच रहा था। ठीक है, पंप सेट जो नॉर्मल डीजल इंजन से चलते हैं, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, ठीक है, तो ये डीजल इंजन से चलते हैं, विद्युत मोटर पंप भी होते हैं। ठीक है, जनरली अपने विद्युत वाली मोटरें लगी होती हैं। ठीक है, पंखा मोटर की सहायता से घूमता है। ठीक है, इसके अंदर एक पंखा लगा होता है, एक मोटर लगी होती है, तो पंखा जो है वो मोटर की सहायता से घूमता है। जिसके बाद जब वो घूमता है तो होता क्या है स्टूडेंट, चूषक नल जो पानी में डूबा रहता है, मतलब जो पानी निकालने वाला भाग है वो पानी के अंदर डूबा रहेगा। जैसे ही मोटर चलेगी, पंखा घूमेगा, तो उससे क्या है, चूषक नल जो है कुएं से या स्रोत से पानी निकालकर उसे बाहर भेजता है। ठीक है, जैसे ही आपने मोटर चलाई, जो नल है, जो पानी निकालने वाला भाग है, वो पानी कुएं से या जल स्रोत से बाहर निकलेगा और पानी को बाहर निकालेगा, तो ये पंप सेट बोलते हैं। अब ये तीन तरह के आते हैं, मोनो ब्लॉक है, डबल ब्लॉक है, सब सिरमल पंप। अपने एरिया में जो सबसे ज़्यादा चल रहे हैं सब सिरमल पंप चल रहे हैं। मोनो ब्लॉक पंप, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है, एक। ठीक है, कि पंखा और मोटर एक ही ब्लॉक के अंदर होंगे, एक ही ब्लॉक में पंखा भी लगा होगा और वहीं पर मोटर भी लगी होगी। डबल ब्लॉक, तो डबल का मतलब क्या होगा, दो, यानी चालक वाला भाग अलग होगा, पंखे वाला भाग अलग होगा, मतलब दोनों अलग अलग भाग होंगे। और तीसरा आता है आपका सब सिरमल पंप। सब सिरमल पंप क्या होता है, जो पानी के अंदर ही रहता है, जैसे मच्छी मोटर नहीं बोलते अपने, पानी के अंदर ही रहता है, उसको सब सिरमल पंप बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका, तो ये आपके सारे सिंचाई के साधन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, सिंचाई के साधन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका फसलों की जल मांग। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जल मांग होता क्या, फसलों की जल मांग क्या होता है, बट इस जल मांग, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ, जो फसलों को अपनी उचित वृद्धि करने के लिए, मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, किताब के अंदर तो है ही पर मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फसलें जो अपनी खेत में खड़ी हैं उसकी उचित वृद्धि के लिए, उसकी उपापचय क्रिया के लिए, और फसल से जो वाष्पोत्सर्जन होगा, आपकी ज़मीन से जो वाष्पीकरण होगा, दोनों अलग अलग है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है पौधे से पानी का वातावरण में जाना, ठीक है, वायुमंडल में जाना, और वाष्पीकरण का मतलब है जल स्रोत या ज़मीन से पानी उड़कर वायुमंडल में जाना। ठीक है, तो पौधे को अपने उचित वृद्धि के लिए, अपनी उपापचय क्रियाओं के लिए और वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन आदि क्रियाओं के लिए उचित तरीके से जो जल की आवश्यकता होगी उसको क्या बोलेंगे, फसल की जल मांग बोलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जनरली ये जो है जल जरूरी होता है, बिना पानी के फसलें नहीं उग सकती, बिना पानी के अपने भी नहीं जीवित रह सकते, तो पौधे कैसे जीवित रहेंगे। ठीक है, तो फसलों को पानी देना क्या है, अति आवश्यक है। अब क्या है, फसल की जलमांग का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वाष्पोत्सर्जन प्लस वाष्पीकरण, दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। वाष्पोत्सर्जन पौधे से पानी का वायुमंडल में जाना, और वाष्पीकरण का मतलब है जल स्रोत या जमीन से पानी का वायुमंडल में जाना। पौधे को, आप पौधे को जितना भी पानी दोगे, 99% आपका ही वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन और दूसरी हानि में खर्च हो जाता है। ठीक है, मान लो पौधे को आपने 1 लीटर पानी दिया, तो उसमें से 990 ml जो है किस में चला जाएगा, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण में हो जाएगा। पौधा हमेशा जितना भी आप पानी लगाते हो, पौधा सिर्फ 1% ही उपयोग में लेता है। जितना पानी पौधों को दिया जाता है सिर्फ 1% उपयोग होता है, बाकी 99% आपका वेस्ट हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है जलमांग का, जलमांग का फॉर्मूला है वाष्पोत्सर्जन प्लस वाष्पीकरण प्लस सिंचाई जल में हानि। अब सिंचाई जल में हानि कैसे होगी स्टूडेंट्स, कैसे हानि होगी, देखो सिंचाई जल में हानि होगी जब हम नालियों के अंदर पानी लगा रहे हो, तो कुछ पानी तो नालियों के अंदर रह जाता है, उसकी मिट्टी सोख लेती है, तो उसको क्या सिंचाई जल की हानि के रूप में बोलते हैं। और नेक्स्ट आता है प्लस आ जाता है आपका विशेष प्रक्रियाओं में प्रयुक्त जल। विशेष प्रक्रिया, जैसे पानी दे रहे हो आप फुहारे से दे रहे हो, पानी कोई प्रॉपर पौधों के ऊपर पड़ा ही नहीं है, तो विशेष क्रियाओं में प्रयुक्त जल हो जाएगा। पौधों के उपापचय क्रिया होगी, वो तो चलो उपयोग ले रहा है पौधा, ठीक है, तो विशेष क्रियाओं में प्रयुक्त। तो इन चारों का एक मिक्सअप करके आपकी जलमांग निकलती है। ठीक है, जलमांग निकलती है,
और फिर सिंचाई की मांग अलग आ जाता है, जी जल मांग निकल गया आपकी। सिंचाई की जल मांग क्या होती है, जब आप प्रभावी वर्षा में से, आपकी जो भी वर्षा आती है प्रभावी वर्षा में से जल मांग को माइनस कर देते हो, ठीक है, वर्षा जितने भी जल मांग में से उसे माइनस कर देते हो, ठीक है। ये तो आपने जल मांग निकाल ली कि वाष्पीकरण में इतना जाएगा, वाष्पीकरण में इतना जाएगा, वाष्प उत्सर्जन में, जल आने में, विशेष प्रक्रिया में। सपोज मान लो आपने गेहूं की निकाल लिया 500 मिलीमीटर वाली चाहिए, ठीक है, 500 मिलीमीटर पानी चाहिए उसको, गेहूं की फसल को, ठीक है। वैसे 450 से 650 मिलीमीटर होता है, अपने 500 मान लेते हैं। तो जल मांग है आपकी 500 मिलीमीटर, अब 500 मिलीमीटर आपकी जल मांग है, लेकिन आपकी 200 मिलीमीटर बारिश होगी, तो आप जो 300 मिलीमीटर जो पानी बचेगा वो आप किससे लोगे, वो आप स्टूडेंट सिंचाई से लोगे, ठीक है। तो इस तरह से खेत में पानी लगाया जाता है, ठीक है। तो जल मांग जो वर्षा को काट करके जो भी उसको पानी देना है वो अपने सिंचाई के तौर पर देते हैं। नेक्स्ट आता है जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ कारक है, वन बाय वन मैं प्रॉपरली डिस्कस करूंगा, जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से स्टूडेंट्स, मैं प्रॉपरली इसको डिस्कस करूंगा। तो जल मांग में स्टूडेंट्स सबका पहला है फसल की प्रकृति। फसल की प्रकृति जल मांग को कैसे प्रभावित करती है, अभी अपने देखते हैं। मान लो आपकी फसल है गन्ना, धान, जूट, तो इनको पानी क्या सबसे ज्यादा चाहिए, इन तीन फसलों को पानी सबसे ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ऐसे फसलें लगाते हो तो आपको पानी ज्यादा जरूरत चाहिए। अब आपको ये देखना, अगर आपके पास ज्यादा पानी है तभी आप इन तीनों में से कोई फसल लगा सकते हो, अदरवाइज ये फसलें आप मत लगाइए क्योंकि इनको पानी सबसे ज्यादा चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फसल की जड़ कैसी है। मान लो गहरी जड़ वाली फसल है तो वो तो ज्यादा पानी को सोख लेगी, लेकिन उथली जड़ है उसको पानी आपको देना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो गहरी जड़ वाली है वो तो वाष्पीकरण से ज्यादा ले लेंगे, उसको आप क्या एक बार सिंचाई ले लो वो लेती रहेगी पानी, ठीक है। उस तरह से अपने फसल की प्रकृति पर और कैसे बात करें, मान लो जब फसल छोटी अवस्था में, जब पौधा छोटा होता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, उसके पत्ते वगैरह ज्यादा निकलते हैं, वो वृद्धि ज्यादा कर रहा है। तो छोटी अवस्था पर जो छोटे पौधे होते हैं, छोटी अवस्था पर जो हरापन जिनके अंदर ज्यादा टाइम रहता है, उनको पानी की ज्यादा जरूरत है स्टूडेंट्स, उनको पानी ज्यादा देना पड़ेगा। फिर अनाज वाली फसलें हैं उनको भी पानी ज़्यादा चाहिए, जैसे गेहूं है 5 से 7 सिंचाई चाहिए, रेशे वाली फसलें हैं कपास है जूट है उनको ज़्यादा पानी चाहिए, ठीक है। तो जो अनाज वाली हैं या अपने रेशे वाली फसलें उनको पानी ज़्यादा चाहिए, और अगर आपके पास पानी नहीं तो आप कौन सी फसल लगाओगे, फिर आप तेल वाली फसल लगा लो, सरसों लगा लो, ठीक है, या फिर आप दाल वाली कोई फसल लगा दो, मूंग लगा लो, तो आपको कम पानी उसमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो फसल की प्रकृति के आधार पर क्या आपको जल मांग की जरूरत होती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मृदा। मृदा कैसी है, मान लो बलुई मृदा है, बलुई मृदा क्या है, पानी को जल्दी सोख लेती है, पानी जल्दी सोख लेता है तो उसमें जल मांग ज्यादा चाहिए होगी। क्ले मृदा है, क्ले है उसका कणाकार छोटा होता है, पानी जल धारण क्षमता ज्यादा होती है, तो क्या करना चाहिए उसमें पानी की आवश्यकता, सिंचाई की आवश्यकता कम होगी, ठीक है, उसकी जल मांग कम होगी। और मान लो आपकी भूमि का रंग काला है तो वो ताप को जल्दी सोखेगी, ताप ज़्यादा सोखेगी तो उसको पानी ज़्यादा चाहिए क्योंकि वो जल्दी सूख जाएगी। और अगर उसमें अंदर लवण ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि लवण घुलकर नीचे नीचे चले जाए, ठीक है। तो ये मृदा पर डिपेंड करती है जलवायु। नेक्स्ट आ जाता है जलवायु पर। जलवायु डिपेंड करेगा सूर्य, मान लो ताप ज़्यादा है कहीं पर, सपोज करो हनुमानगढ़ में गर्मी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है तो जल जो है खेत में जल्दी सूख जाता है, तो फिर आपको पानी भी क्या है ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर मौसम ठंडा है, ठंडे मौसम में नमी बनी रहती है खेत में, तो फिर क्या है पानी भी कम देना पड़ेगा, ठंड ज़्यादा है तो पानी भी क्या है कम देना पड़ेगा। तो ये भी जलवायु के ऊपर डिपेंड है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है आपका फसल प्रबंध। फसल का आप किस तरह से प्रबंध करते हो वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप जैसे आपने कार्बनिक खादों का प्रयोग किया, कार्बनिक खाद लगाकर गोबर की खाद डालकर फिर फसल डाल लिया, तो उसकी जल धारण क्षमता क्या बढ़ जाएगी, आपकी खेत की जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी, आपको पानी कम देना पड़ेगा, ठीक है। आप उर्वरकों का प्रयोग कम से कम कर रहे हो, उर्वरक का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हो, कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हो, उर्वरक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करोगे तो आपकी जल मांग भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कम हो जाएगी। इसी तरह अगर आप पलवार का यूज़ करते हो, मल्च जिसको बोलते हो, मल्च का मतलब है दो कतारें हैं आपकी फसल के बीच में, आपने कचरा घास फूस डाल दिया जिससे आपका वाष्पीकरण कम होगा या नहीं होगा तो आपको जल मांग भी कम होगी। तो ये फसल प्रबंध पर डिपेंड है स्टूडेंट्स।
ठीक है। तो आज अपने जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक ये हो गए हैं। नेक्स्ट जो अपना पार्ट है जल निकास वाला, जल निकास वाला आगे वाला टॉपिक है, वो अपने कल डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन, स्टे होम स्टे सेफ।